लोगों ने जो चैप्टर 5 है उसको स्टार्ट कर रखा है, जहाँ पे हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो फैमिली से रिलेटेड है। आज अपन इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट जो फैमिली है उसकी स्टडी करेंगे, सोलेनेसी फैमिली की। अब जो सोलेनेसी जो फैमिली है मोस्टली उसको बोला जाता है पोटैटो फैमिली, पोटैटो फैमिली। जो मेडिकल जो प्लांट्स होते हैं वो मेडिकल प्लांट्स को भी मोस्टली इस फैमिली के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो सोलेनेसी जो फैमिली है उसको अपन कॉमनली क्या बोलेंगे, पोटैटो फैमिली बोलेंगे। अब जैसे पीछे की जो फैमिली है उनकी हम लोगों ने स्टडी की थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन ये देखते हैं किस एरिया में प्रेजेंट होती है, कौन से सीजन वाली होती है। सेकेंड उनके हैबिट्स हैबिटाट है, वेजिटेटिव करेक्टर्स है, इन सब की अपन क्या करेंगे स्टडी करेंगे। तो इसी टाइप से सोलेनेसी फैमिली के अंदर जो प्लांट इंक्लूड किए जाएंगे वो प्लांट किस टाइप के होंगे ये अपन देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन बात करते हैं किस एरिया में होती है ना, इसका हैबिटाट क्या है, यानी किस एरिया में प्रेजेंट है। तो मोस्टली ये ट्रॉपिकल रीजन की, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, तो आप लोग नोट कर लोगे, तो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन की है। अब ट्रॉपिकल जो रीजन है वो कौन सा होता है जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय, जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है तो वहाँ पर भी इसके प्लांट हो सकते हैं। और टेम्परेट का मीन्स होता है कोल्ड एरिया, शीतोष्ण सर्दी वाले जो सीजन है, तो ये गर्मी और सर्दी दोनों सीजन में होने वाले प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके हैबिट की, ठीक है, किसकी बात करेंगे, हैबिट्स की बात करेंगे। तो हैबिट्स में वही बताना कि हार्ब है, शार्ब है, ट्री है, किस टाइप के प्लांट्स होते हैं। तो इसमें अपन बताते हैं इसमें हर्ब्स लाइक प्लांट भी है, सम प्लांट जो होते हैं शार्ब लाइक भी होते हैं और ट्री भी इंक्लूड किए जाते हैं। तो थ्री कैटेगरीज में होंगे प्लांट्स, हर्ब शार्ब एंड ट्री लाइक में होंगे। नेक्स्ट अपन करते आ रहे थे इसके वेजिटेटिव करैक्टर्स, वेजिटेटिव करैक्टर। अब वेजिटेटिव पार्ट है वो थ्री होते हैं प्लांट्स के, हम सबको पता है रूट स्टेम और लीव्स, पीछे के जो दो फैमिली मैंने आपको करवाई है उसके अंदर भी था। अब देखिएगा जो फेबेसी फैमिली है उसको रिड्यूस कर दिया गया है, बट मैंने आपको फेबेसी फैमिली करवा दिया है क्योंकि नेक्स्ट जो कंपटीशन एग्जाम होंगे वहाँ पर भी आपके यूजफुल रहेगा ये वाला टॉपिक, इसीलिए करवा दिया। वेजिटेटिव करैक्टर्स में हम इंक्लूड करते जैसे रूट, तो अभी तक रूट है वो सभी प्लांट में अपन टेप रूट ही इंक्लूड कर रहे हैं, कौन से ले रहे हैं टेप रूट। तो डाइकोटाइलेडोन प्लांट्स होंगे फिर टेप रूट होगी, तो ध्यान में रखिएगा टेप रूट है तो डाइकोटाइलेडोन प्लांट्स। अब आपको अगर नहीं मालूम हो मैंने पहले भी बताया था, अगर रेडिकल है, रेडिकल से अगर रूट अराइज हो रही है दिस टाइप ऑफ रूट इज नॉन एज द टेप रूट। रूट के बाद अपन बात करते हैं स्टेम की, तो देखिए स्टेम हर्ब्स अगर प्लांट होंगे तो उनका स्टेम कैसा होगा, हर्ब्स लाइक हो गया, हर्बेसियस, क्या बताएंगे हम, हर्बेसियस हो गया। अगर शर्ब है तो स्टेम कैसा होता है आपको पता है, शर्ब झाड़ी को बोलते हैं अपन, तो कुछ बूटी टाइप का हो गया। अगर इस अपन बात करेंगे ट्री, तो ट्री का भी बूटी टाइप का होता है। कुछ जो स्टेम होंगे स्टेम जैसे ब्रांच भी होंगे, उनके ब्रांच भी प्रेजेंट होती है। अंडरग्राउंड स्टेम है कैसा होगा, अंडरग्राउंड, ठीक है। फिर अंडरग्राउंड का एग्जांपल हम सबको पता है पोटैटो, क्या एग्जांपल लेंगे पोटैटो ले लेंगे। चलिए रूट हो गया, स्टेम हो गया, अब अपन बात करते हैं थोड़ी लीव्स की बात करते हैं। तो इसकी जो लीव्स होगी वो किस फॉर्म में होगी, अल्टरनेट फॉर्म में होगी, अल्टरनेट, एक नोड से एक लीव अराइज होती है उसको अल्टरनेट बोलते हैं, पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसकी जो लीव्स है कुछ प्लांट में सिंपल भी होती है और कुछ प्लांट में पिनेटली होती है, कैसे होती है पिनेटली,
पिनेटली का जो मीन्स है वो देखिए, आपके पिनेटली किसको कहोगे, जिसे देखिए आप लोगों ने अकेसिया है ना, या फिर में को झाड़ी वगैरह देखी होगी आप लोगों ने, तो देखिए जैसे इसमें क्या होता है, जो मेन एक्सिस है ये ऐसे है ठीक है, अब मेन एक्सिस जो होगी उससे और इस टाइप के ऐसे लीव्स निकल जाएगी, देखिए इस टाइप से छोटी छोटी लीव्स। आप मोस्टली स्टूडेंट ने ऐसा देखा तो कहा बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी लीव्स बन रही है। अभी बना कैसे वो देखिएगा आप, जैसे मान लीजिए कोई सिंपल लीव्स है, यहाँ बना के दिखाऊँ मैं, हटा देते हैं अपन एक बार यहाँ से, ये जैसे कोई सिंपल लीव्स देखिए अपन बोलेंगे, ये सिंपल लीव्स का मीन्स ये होता है ये मिड रिब है, ये मिड रिब है, और यहाँ से जो इंसीजर्स लगता है कट जो लगता है वो मिड रिब तक ना जाए, ठीक है, इंसीजर जो लगेगा वो कहाँ तक नहीं पहुँचेगी, इंसीजर वाला पार्ट मिड रिब तक नहीं पहुँचा तब सिंपल लीव्स बोलते हैं। अगर ये जो कट लग रहा है ये मिड रिब तक पहुँच गया है ऐसे देखिए ऐसे, तो वो हो जाती है कंपाउंड, क्या हो जाएगी कंपाउंड हो जाएगी, देखिए बिल्कुल ऐसे छोटे एक पार्ट में एक ही बन गया ऐसे, एक पार्ट में क्या बन गया एक ही, तो जैसे देखिए ये पहले क्या था मिड रिब थी, क्या थी मिड रिब थी, और यहाँ से जितनी भी लीव्स थी उसमें जो इंसीजर लगा था वो अंदर तक चला जाता है इंसीजर, जैसे देखिए मैं यहाँ लेके जा रही हूँ ये रहा, ये कहाँ तक जा रहा है अंदर तक जा रहा है इस टाइप से ऐसे। तो अब ये जो मिड रिब थी वो अब क्या बन गई रेकिस बन गई, मिड रिब क्या बन गई रेकिस बन जाती, अब इस लीव की ये मिड रिब बन गई, जो पहले मिड रिब थी वो एकिस बन गई और नई क्या बन जाती है मिड रिब बन जाती है। जैसे हमारे घर के अंदर देखिए आप लोगों ने लीव्स देखी होगी प्रोसोफिस सिनेरिया, इसको खेजड़ी बोलते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा ऐसे एक लंबी सी जा रही साइड में छोटी 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 लीव्स निकली हुई रहती है, तो उस टाइप की जो लीव्स है उसको पिनेटली बोला जाता है, क्या बोलते हैं पिनेटली बोलते हैं। जब इसको ओपन होगी तो मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगी, ये सिंपल लीव्स है और ये क्या है पिनेटली वाली लीव्स होती है। नेक्स्ट देखिएगा लीव्स में अल्टरनेट सिंपल और पिनेटली टाइप की आप कर लोगे। इसके बाद में देखिए एक वर्ड है एक्स स्टिप्यूल्स, क्या है एक्स स्टिप्यूल, इसका क्या मीन्स हुआ स्टिप्यूल्स आपको पता होगा, जैसे देखिए ये लीव्स है ये इसका बेस वाला पार्ट हो गया और यहाँ से कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर अराइज हो रही है इसको स्टिप्यूल्स बोलते हैं, क्या है ये स्टिप्यूल, तो ऐसा यहाँ नहीं होगा तो स्टिप्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते तो क्या नाम हो गया स्टिप्यूल्स नाम हो जाता है इसका। तो ये कौन से करेक्टर्स हो गए, ये वेजिटेटिव करेक्टर्स हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्लावर करेक्टर्स के, तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए वेजिटेटिव करेक्टर्स के, जिसमें मैंने देखी हैबिट एरिया नोट कर दिया, इसका हैबिट नोट कर दी, वेजिटेटिव बेड में रूट टेप रूट होती है, स्टेम इस टाइप का बता दिया और लीव दे दी अल्टरनेट फॉर्म की, तो आप स्क्रीन शॉट ले लो ताकि अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट कर सको। हो गया चलिए हो गया सभी स्टूडेंट्स का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्लोरल करेक्टर की, वेजिटेटिव करेक्टर्स के बाद में नेक्स्ट अपन क्या करेंगे सोलेनिफिक एंटिटी के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलता है फ्लोरल करेक्टर्स। फ्लोरल करेक्टर्स इसके अंदर फर्स्ट अपन करते हैं इनफ्लोरिसेंस, इनफ्लोरिसेंस तो इनफ्लोरिसेंस आपको पता है टू टाइप्स का होता है इनफ्लोरिसेंस, एक तो होता है रेसिमोस एक होता है सीमोस, तो इस प्लांट में किस टाइप का होगा सीमोस टाइप का, ऐसा होगा सीमोस टाइप का हो जाएगा। इनफ्लोरिसेंस के जस्ट बाद में हम बात करते हैं फ्लावर करैक्टर, इसका फ्लावर कैसा होता है, तो देखिए फ्लावर करैक्टर्स के अंदर अपन इंक्लूड क्या क्या पॉइंट करेंगे, इसका जो फ्लावर होता है उसमें पेडिसलेट होते हैं पेडिकल प्रेजेंट होती है, पेडिसलेट हो जाएगा ठीक है। आपको पता है इसका ये मेन ब्रांच है, यहाँ से अब ये फ्लावर इसको पेडिकल बोलते हैं,
इस लैंड को क्या बोला जाता है, पेडिकल बोला जाता है। तो किस टाइप का हो गया, पेडिसलेट टाइप का हो गया, हर्मोफ्रोडाइट होता है, हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट का मीन्स जो फ्लोर होगा वो बाइसेक्सुअल होता है। इस टाइप का हो जाएगा फ्लोर, इसका हो जाएगा बाइसेक्सुअल, यानी मेल और फीमेल दोनों एक में होंगे। सेमी, उसको किसी भी एक्सिस से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो इक्वल पार्ट्स बनेंगे। तो वहां पर सिमेट्री कौन सी लेते हैं, एक्टिनोमॉर्फ, जिसका सिंबल अपन क्या बनाते हैं, ऐसे प्लस का सिंबल बना देते हैं एक्टिनोमॉर्फिक के लिए, कि हॉरिजॉन्टली, लेटरली, है ना, वर्टिकली, किसी भी मैन एक्सिस से एक इमेजिंग लाइन को पास करते हैं तो उसकी हमेशा इक्वल पार्ट बनते हैं। जैसे देखिए, हमारे अंदर इमेजिंग लाइन केवल एक वन एक्सिस से पास करेगी तभी दो इक्वल पार्ट बनेंगे, वरना नहीं बनते। लेकिन इनमें ऐसा नहीं, आप किसी भी एक्सिस से पास करवा लो, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, तो कौन सी हो जाएगी, एक्टिनोमॉर्फिक टाइप की। याद रह जाएगा, बस इतनी सी बात ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखिएगा, फ्लोर के अंदर अपन बात करते हैं कैलिक्स, किसकी बात करेंगे अपन, कैलिक्स की बात करेंगे। तो इसके जो कैलिक्स होंगे, अगर मुझे अवेलेबल होगा तो सोलेनेसी फैमिली के अंदर अगर फ्लावर अरेंज कर पाई तो मैं आपको जरूर फ्लावर दिखाऊंगी, जैसे मैंने आपको चाइना रोज का दिखाया था। हालांकि वो फैमिली अभी तक हम लोगों ने की नहीं है, इसका फ्लावर मैंने आपको पहले दिखा दिया। तो कोशिश रहेगी कि आपको सोलेनेसी जो फैमिली है उसके फ्लावर मैं आपको दिखा सकूँ। इसमें जो कैलिक्स है, तो सेपल को बोलते हैं ना कैलिक्स, अपन बात करते हैं सेपल कितने हैं। तो सेपल्स होते हैं फाइव, कितने होते हैं फाइव, सभी सेपल्स एक दूसरे से जुड़े हुए। तो सेपल जब यूनाइटेड फॉर्म में होंगे तो अपन बोलते हैं गेमोसेपल्स, गेमोसेपल्स। गेमोसेपल्स का मीन होते हैं यूनाइटेड, जितने भी सेपल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है। और जब सेपल या कैलिक्स कोरोला की बात करते हैं तो हम लोग उसमें एस्टिवेशन बताते हैं। एस्टिवेशन का मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द सेपल और कोरोला, ठीक है, यानी सेपल और पेटल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको अपन एस्टिवेशन बोलते हैं। तो इसमें किस टाइप का होगा, वेलवेट, किस टाइप का होगा वेलवेट, कौन सा, तो आपके माइंड में ध्यान में रहना चाहिए कि वेलवेट के अंदर जो एस्ट होते हैं, मार्जिन जो होती है वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती है। तो इस टाइप का क्या होता है, वेलवेट होता है। तो क्या हो गया, सेपल कितने हो गए, फाइव हो गए। कोरोला के लिए हमें इनकी जरूरत होगी, गेमोसेपल्स है, यूनाइटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और वेनेशन कैसा है, वेलवेट रहेगा। अब जुड़े हुए कहाँ से रहेंगे, जैसे देखिए अगर अपन बात करते हैं इस साइड, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये सब एक दूसरे को अटैच, यहाँ से देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बट ये वाला जो एंड पॉइंट है ये तो नहीं जुड़ा हुआ ना। तो इस टाइप से जैसे फोर फाइव अगर अपन करना चाहेंगे तो एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए रहेंगे, बट इसके जो एंड पॉइंट है वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। ये बात करते हैं कोरोला की, किसकी बात करते हैं, कोरोला की। तो कोरोला यानी पेटल, कलरफुल पार्ट, पेटल्स। तो पेटल्स भी कितनी है, फाइव। पेटल्स ही है वो भी एक दूसरे के यूनाइटेड है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, गेमोपेटल्स, गेमोपेटल्स। गेमोपेटल्स में जितने भी पेटल्स हैं वो क्या है, यूनाइटेड है, एक दूसरे को अटैच किए हुए हैं। वेनेशन, वेनेशन वापस से वो रह जाएगा, वेलवेट वेनेशन, वेलवेट वेनेशन हो गया। कैलिक्स कोरोला के बाद में आता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का मीन्स होता है स्टेमेन। तो इसमें जो स्टेमेन है वो फाइव है और फ्री है, ठीक है, दूसरे से जुड़े हुए नहीं, आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो अपन उनको बोलेंगे पॉली एंड्रस, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, फ्री है, बट किससे जुड़े हैं, कोरोला से जुड़े, किससे जुड़े हुए। देखिए मैंने आपको डायग्राम वो फ्लावर दिखाया था जिसके अंदर जो स्टेमेन है वो कोरोला से अटैच कर रखे थे। जैसे मान लीजिए ये ऐसे स्टेमेन है, तो इसकी यहाँ से इसको ऐसे अटैच करते हुए चलते हैं,
तो वहां पर अपन वर्ड क्या बोलेंगे, एपिपेटलस। एपिपेटलस पेटल से जुड़े हुए तो क्या नाम हो गया, एपिपेटलस होता है। और इनकी अलग अलग फ्लॉर में इनकी शेप भी अलग अलग होती है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ कि एग्जांपल के धतूरा है, ठीक है, धतूरा भी इसी में आता है, व्हाइट कलर का होता है धतूरे का जो फ्लावर होता है वो, तो धतूरा में ट्रम्बल शेप होती है, यानी कि अपन बोल सकते हैं इसको स्पिंडल शेप भी बोल सकते हैं, इस टाइप की फूल में रहती है। तो अलग अलग फ्लावर में इनकी शेप क्या है, अलग अलग होती है। फिर अपन बात करते हैं गाइनोसियम की। गाइनोसियम तो इसमें गाइनोसियम है बाइकार्पेट, मींस टू बाइकार्पेट, टू है सुपीरियर है, कैसी होगी सुपीरियर होगी, एक्सियल प्लेसेंटस होगा, प्लेसेंटस कैसा होगा, एक्सियल एक्सियल सेंटर में ना, एक्सियल का मतलब क्या है सेंटर वाले। अब उसके बाद में ही अपने टॉपिक क्लियर हो गए हैं कि अपन ने दी, लेकिन इसका एक मेंबर होता है धतूरा, उसके अंदर वैसे देखो ये बाइकार्पेल है, कैसी है बाइकार्पेल है, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो अपन साइन कार्पस भी बोल सकते हैं, दो है आपस में जुड़े हुए तो इसको अपन क्या बोलते हैं साइन कार्पस, और बाई लोक्यूलर दो लोग बनी हुई है बाई लोक्यूलर। लेकिन इसका जो मेंबर धतूरा है उसके अंदर ये फोर लोब है, तो टू लोब ही बट फोर लोब हमें दिखाई देती है, तब इसको अपन फॉल्स के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। एक्चुअली में कैसे होते एक्सियल ही होते हैं, धतूरे के अंदर टू लोब्स की जगह कितनी लोब्स होती है, फोर लोब्स होती है। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका जो फ्लावर है वो पेडिसलेट बता दिया, पेडिकल होगी, मेल और फीमेल दोनों होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है, हाइपोगेमस है। हाइपोगेमस का मतलब जो ओवरी है वो सबसे ऊपर की तरफ है, बाकी के पार्ट ओवरी से नीचे की तरफ से निकल रहे हैं, बिलो पॉइंट से अराइज होते हैं, इसीलिए तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया था, सुपीरियर वर्ड यूज किया था मैंने। ये कितने हैं, फाइव है, ठीक है, पेटल्स भी कितने हैं, फाइव है, स्टमेन कितने हैं, फाइव है, किससे जुड़े हैं, कोरोला से जुड़े हैं। गाइनोसियम है, बाइकार्पेल है, बाइलोक्यूलर है और सुपीरियर, कैसी है सुपीरियर। तो अब इसके लिए नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, अब अपने फ्रूट की बात कर लेते हैं, इसके फिर फॉर्मूला लिख लेंगे। तो फ्रूट ये तो नॉर्मल है, इसका फ्रूट आप बता सकते हो कैप्सूल बता सकते हो, क्या बता सकते हो, इसका जो फ्रूट है उसको आप कैप्सूल वर्ड यूज कर सकते हो, फ्रूट के लिए नॉर्मल सी बात है। फिर अपन बात करते हैं इसमें सीड की, ठीक है, सीड है तो सीड अपन देखिए डाइकोट है ना, तो नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, जिसमें एंडोस्पर्म डाई होता है जिसमें कन्वर्ट हो जाता है उसको नॉन एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो लिखने के लिए, एक बार मैं हट जाती हूँ आगे से। फ्रूट में कैप्सूल एंड बेल भी कर रहे हैं, दोनों टाइप से कर रहे हैं कैप्सूल और बेरी टाइप, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद में हम लिखेंगे फ्लोरल फॉर्मूला, तो इसको मैं हटाऊंगी नहीं क्योंकि इसी थ्योरी को देख करके अपन जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो नोट करेंगे। हो गया सबका, चलिए तो अब ये वाला पोर्शन देखता देखिए, यहाँ पर लिखेंगे अपन फ्लोरल फॉर्मूला। ये फ्लोरल फॉर्मूला से तो फ्लोरल डायग्राम बना ही लेंगे, तो फ्लोरल फॉर्मूला देखिए ई बी आर, ओके, ईबी सेपल्स के अलावा कोई अदर फॉर्म प्रेजेंट नहीं होती है ईबीआर। एक्टिनोमॉर्फिक, हर्मोफ्रोडाइट, मेल और फीमेल दोनों, के कितने हैं फाइव, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सी कितने हैं फाइव, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ए कितने हैं फाइव, फ्री है लेकिन किससे जुड़े हैं, पेटल से जुड़े, जोड़ दिया। गाइनोसियम कितनी है, तो साइन कार्पस और सुपीरियर, ये लिख लीजिए फ्लोरल फॉर्मूला, ये हो गया फ्लोरल फॉर्मूला। अब अपन नोट करते हैं फ्लोरल डायग्राम।
नॉट करेंगे फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम मैंने बताया था, सबसे पहले आप किसको नॉट करोगे, ओवरी वाले पोर्शन को अपने मस्त ओवर नॉट करके इनर साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे। हालांकि बनता तो बाहर से है लेकिन अपन इनर साइड से बनाएंगे। तो एक तो अपन क्या मानते हैं, मदर एक्सिस को नॉट करके चलते हैं। जैसे मैंने ये लगा दी, इसका मतलब एक्टिनोमॉर्फिक टाइप का हो गया। तो सबसे अंदर की तरफ थोड़ा सा इसको अबो बना देती हूँ। फ्लोरल फॉर्मूला सबसे अंदर, तो कितनी लॉब्स बनाएंगे, टू लॉब्स साथ साथ बनाते चलो, दिखाई दे रहा है तब तो। एक लॉब ये हो गई, इसी के पास से सेकंड जो लॉब है वो मैं निकाल देती हूँ। ये हो गई एक, ठीक है। फिर ये ओवेरी है, ओवेरी में कितनी लॉब्स बनी हुई है, टू लॉब्स बनी हुई है। और यहाँ पर मैं लगा देती हूँ ओव्यूल, एक्सियल है ना, सेंटर में लगी हुई है, मार्जिनल था फिर एक्सियल था, सेंटर में क्या लगा दी, ओव्यूल। ओव्यूल ये क्या होगी, गाइनोसियम बना। अब गाइनोसियम के बाहर क्या होते हैं, स्टैमेन। तो स्टैमेन की जगह पहले मैं एक बार बना लेती हूँ, इसके अंदर फाइव क्या है, ये रहेगा, फाइव बनाते हैं आराम से, वन टू, थोड़े से बड़े बना दो, वन टू थ्री फोर और फाइव, ठीक है। ये क्या बना दिए, टेटर, वेनेशियन कौन सा देंगे, वेलवेट वेनेशियन देंगे, इसीलिए ओवरलैप नहीं करवा रहे हैं अपन। अभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जोड़ने के लिए इस टाइप से लगा दीजिए, एक दूसरे को अटैच किए। अब इनके साथ में क्या लगा देते हैं, फाइव, ये तो देखिए यहाँ से ऐसे फाइव लाइन ले लो, अटैच करवा दिया ना बीस दिन का। अब यहाँ पे लगा दीजिए स्टेमिन, ये हो गए स्टेमिन। अब स्टेमिन इसके बाहर की तरफ क्या बनेंगे, इतना काम हो गया, ये बनाओगे कितने बनेंगे, फाइव बनेंगे। और वही वेलवेट वेरिएशन बनाएंगे, फाइव के साथ में क्या बना देंगे, वेलवेट वेरिएशन, वन टू थ्री फोर और फाइव, ये हो गया। अब इसको इस टाइप से ये हो गई सिंपल वेलवेट वेरिएशन, और ये भी एक दूसरे से अटैच किए हुए, ये इसको आपस में ऐसे अटैच करवा दो, ये मैंने इसको अटैच करवा दो। ये क्या बन गया, फ्लोरल फॉर्मूला बन गया, किसका, सोलेनियम फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला हो गया, सोलेनम नाइकर, ठीक है, सोलेनम नाइकर। अब अपन इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, आप इसमें कौन, तो या बना लो पहले या इसका स्क्रीन शॉट ले लो, ताकि अपन नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स की बात करें कि सोलेनेसी फैमिली में आप कौन कौन से प्लांट्स को इंक्लूड करोगे। तो अपन कुछ प्लांट्स के नाम इसमें देखेंगे, सभी नहीं देखेंगे। तो देखिए पोटेटो क्या है, अंडरग्राउंड स्नेक होता है पोटेटो, इसका साइंटिफिक नेम लिख लो सोलेनम ट्यूब्रोसम, और दोनों नाम के नीचे अलग अलग अंडरलाइन कर दो, सोलेनम ट्यूब्रोसम। फिर जैसे ब्रिंजल, ठीक है, ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम क्या लिखोगे, सोलेनम मेलेनोगा, मेलेनोगेना। तो आप एक बार पहले डायग्राम बना लीजिए अच्छे से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं आपको एग्जांपल अच्छे से बता दूं। हो गया सोलेनम मेलेनोगेना, गेना दो नाम हो गए।
जल्दी अपन मेडिकल प्लांट के मैं बात करूँ तो विथानिया सोमिनी फिरम, विथानिया सोमिनी फिरम किसका साइंटिफिक नेम होता है? अश्वगंधा का। अश्वगंधा लिख के लिख लो विथानिया सोमिनी फिरम, विथानिया सोमिनी फिरम। फिर उसके बाद में जैसे धतूरा, तो धतूरा इनोक्सिया, ये हो गया धतूरे का साइंटिफिक नेम धतूरा इनोक्सिया। टोमेटो किसी फिर नहीं आता है, तो टोमेटो का साइंटिफिक नेम क्या लिखोगे? एस्कुलेटम होता है, पर्कुलेना एस्कुलेटम, एस्कुलेटर ऐसे स्पेलिंग स्टार्ट करोगे। 10th क्लास में आपके था ये साइंटिफिक नेम। फिर उसके बाद में देखिए जैसे धतूरा हो गया, एट्रोपा बेला डोना, एट्रोपा बेलोडेना, जिससे एक एल्केलोइड्स निकलता है जिसका नाम आप लिखोगे एट्रोपिन। एल्केलोइड्स का क्या नाम लिखोगे आप? एट्रोपिन नाम लिखोगे किसका? एल्केलोइड्स का। जल्दी लिखिए सभी नाम आप लोग। टोबेको, टोबेको, टोबेको का निकोटियाना टोबेकम, टोबेको का लिख लो निकोटिया प्रजाति, निकोटियाना टोबेकम नोट कर लो। और इसका जो एल्केलोइड्स है, एल्केलोइड्स का आप लिखोगे निकोटिन, एल्केलोइड्स का क्या नाम लिखोगे? निकोटिन। फिर उसके बाद में एक है अजवाइन, खुशानी अजवाइन बोलते हैं हिंदी में जिसको, क्या बोलेंगे? खुशानी अजवाइन, खुशानी अजवाइन, जिसे हैनबेन, हैनबेन मेडिसिन बनाई जाती है, हैनबेन मेडिसिन बनाते हैं जिसका यूज करते हैं कफ में यूज किया जाता है। तो ये इसके मेडिकल प्लांट्स के जो नाम है वो आ जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से कि अपने पोटेटो किया है, आपको सामने दिखाई दे रहा है वो सोलेना मेलेनोगेना कर दिया, बैंगन जिसको अपन बोलते हैं विथानिया सोमिनी फिरम है, धतूरा इनोक्सिया है, ठीक है। अभी टोमेटो का किया है लाइकोपर्सिकोना, क्या किया है? लाइकोपर्सिकोना, हाँ एस्कुलेटम, लाइकोपर्सिकोना एस्कुलेटम जिसका साइंटिफिक नेम किया है टोमेटो। एट्रोपा बेलाडोना एट्रोपिन जिससे एल्केलोइड्स निकलता है टोबेको का है, निकोटियाना टोबेकम निकोटीन बनता है, ऐसे लिखा है मैंने। अजवाइन जिसे हैंडबैग मेडिसिन बनती है इसका यूज अपन मूपिंग कफ के लिए करते हैं। अजवाइन का आप साइंटिफिक नेम लिखना चाहो तो लिख सकते हो हायो, हायो साइनस एच वाई ओ एस सी वाई ए, हायो साइनस, हायो साइनस नाइगम, ये इसका हो गया साइंटिफिक नेम। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसको अपन किसमें इंक्लूड कर रहे हैं, सोलेनेसी फैमिली के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो आप लोग नोट कर लोगे, इसके नोट्स बना लोगे, नेक्स्ट जो फैमिली अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे इसके नोट्स बना करके आप लोग सेंड करोगे। क्योंकि देखिए इसमें कि ये है कि आपकी जो हाफ ईयरली के जो नंबर होंगे वो आपको होमवर्क देख करके ही दिए जाएंगे। ये कुछ ऐसा रूल्स है, एनुअल एग्जाम होंगे बट हाफ ईयरली के आपके होमवर्क को देख करके ही दिए जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट जितने टॉपिक करवा दिए गए उन सभी का होमवर्क कम्प्लीट कर लें। आज की क्लास हमारी इतनी थी।